चुनाव के बाद लागू होगी केजरीवाल सरकार की महिला सम्मान योजना। इस वर्ग की महिलाओं को नहीं मिलेगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में सोमवार को पेश 2024-25 के बजट में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। आइए आपको बताते हैं कि किस वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी और क्या ये योजना लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगी या बाद में। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अनुमान के मुताबिक करीब 45 से 50 लाख महिलाएं स्कीम से लाभान्वित होंगी। अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि क्या वाकई ये योजना लागू हो पाएगी या कोई अड़चन आएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अड़चनों से लोहा लेना हमारी फितरत है। अब तक अड़चन को दूर करके सारे काम कराए हैं, तो ये काम भी हो जाएगा। अगर इस योजना को लागू होने में कोई अड़चन आती है तो हम लड़ेंगे और स्कीम को लागू कराएंगे। आइए अब जानते हैं कि किस वर्ग की महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का फायदा। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगी, लेकिन किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि इस योजना को सरल कर दिया गया है। सीएम ने बताया कि महिलाएं सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वतः घोषणा पत्र देकर योजना का लाभ उठा सकेंगी। मसलन रैंडम तौर पर चेकिंग चलती रहेगी और अगर महिलाएं सेल्फ डिक्लेयर करती हैं तो उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना को लेकर प्रक्रिया चालू हो जाएगी, फिर इसको कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा तो वो पैसा मार्केट में जाएगा, महिलाएं अपनी मनपसंद की चीजें खरीदेंगी और उससे अर्थव्यवस्था की भी तरक्की होगी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।